हेलो दोस्तों, हर्ष प्रिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए इतना मज़ेदार सा सूजी का नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे बच्चे बड़े सब खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। एकदम नया नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जब भी आप इसे ट्राई करें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है बारीक सूजी। मेरे पास मोटे वाली सूजी थी तो उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया। एक कप सूजी और आधा कप मैंने यहाँ दही लिया है। एक पिंच यहाँ पर हम ले रहे हैं खाने वाला सोडा और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और बिना पानी डाले इसका हम एकदम सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। अगर आपका दही थोड़ा गाढ़ा है तो एक दो चम्मच पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने बिना पानी डाले एकदम सॉफ्ट डो सूजी का बना लिया है और जब सूजी अच्छे से रेस्ट करेगी, फूल जाएगी, तो जो डो है थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। आप मेरे टच करने से ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हम इसे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। सबसे पहले आप डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद सब्जियों की कटिंग करना। तो मैंने भी पहले डो बना लिया है। अब जब तक डो रेस्ट करेगा मैंने ये सब्जियां कट कर ली हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आधी से भी थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम ली थी जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी गाजर ले रही हूँ और थोड़ी सी ही मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद से कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। और जितना हमने एक कटोरी सूजी ली है उससे दो रोल्स बनकर तैयार होते हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ही सब्जी का इस्तेमाल करें। करीबन दो दो चम्मच के समथिंग ये सब्जियाँ हैं। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया एकदम बारीक कटा हुआ, और आप इसमें अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप नाश्ता बनाने वाले हैं तभी सब्जियों में नमक डालना। अगर आप बहुत देर तक नमक डालकर रखेंगे सब्जियों में तो ये पानी छोड़ देंगे। तो मैं बस बनाने ही वाली हूँ इसलिए मैंने नमक भी डाल दिया है स्टफिंग में। और ये देखिए, हमारी बढ़िया से स्टफिंग बन गई है। आप इसमें पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो डो है पहले से थोड़ा सा टाइट हो गया है और सूजी अच्छे से फूल गई है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और डो को अच्छे से मसल कर हम इसे चिकना बना लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत अच्छे से नरम डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। और अब इसमें से हम दो लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, बड़ी बड़ी सी लोई बनानी है आपको। ये देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि ये जो डो है ये सूजी का है, बिल्कुल मैदे जैसा टेक्सचर है इसका, बहुत ही लचीलापन है इसमें। और जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी आटा या मैदा नहीं डाला है, सिर्फ सूजी का डो है। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी बॉल बना ली है इसकी, क्योंकि हम जब इसको बेलेंगे तो उसे भी थोड़ा सा मोटा रखना है। और इस तरह से अगर आपका डो चिपके थोड़ा सा तो आप इसमें मैदा डस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन मेरा जो डो है बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, मैं बड़ी ही आराम से इसको बेल सकती हूँ। तो मैं बिना आटा लगा या बिना मैदे की ही इसको अच्छे से बेल लूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, सेमी थिक रखेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेजवान सॉस। आप चाहें तो हरी चटनी, टमाटो केचप, अपने मनपसंद से कोई भी चटनी या सॉस ले सकते हैं। और हाँ, आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने सॉस को फैला दिया है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो डाल देते हैं इसके ऊपर। और स्टफिंग भी आपको ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे। करीबन 2-2.5 चम्मच के समथिंग मैंने स्टफिंग डाली, उसे भी फैला दिया है। अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो बहुत ही आराम से आपको टाइटली इसको रोल करना है और ये चिपकता नहीं है हाथों से, बहुत ही आराम से ये रोल हो जाएगा। अगर आपके घर पर मम्मी, दादी, बहन जो भी नाश्ता बनाती हैं, आप उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाना, उनको बहुत अच्छा लगेगा और ज़रूर वो इसे ट्राई करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत सारा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम तेल में बहुत ही कम चीज़ों से ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने रोल कर लिया है अच्छे से और इसे चिपका भी दिया है। और इसमें आपको पानी, आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चिपक जाता है। दोनों साइड से भी पैक कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक छलनी को भी ग्रीस कर लिया है, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं। और ये रोल को उठाकर हम छलनी में रख देंगे।
अब देखिए, मैंने दूसरी जो लोई थी उसे भी बेल लिया है, उस पर भी सेजवान चटनी लगा दी है, सेजवान सॉस, और जो हमारी स्टफिंग थी वो भी मैंने इस पर फैला दी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें फैलाना है, पतला फैलाना है, और साइड से थोड़े किनारे इसके रखने हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसको रोल भी कर दिया है, बड़ी ही आसानी से रोल हो गया। पहले वाले में सेजवान सॉस थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो वो बाहर आ गया था, लेकिन ये वाला एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने इसको पैक कर लिया है, देखिए दोनों साइड से, और ये दोनों सेम साइज़ में हमारे रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर भगोनी रख दी थी, उसमें पानी गर्म कर लिया, एक छलनी रख दी और उसके अंदर ये जो रोल वाली छलनी रख दी है, और हम इसे पूरे 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगा और पक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 15 मिनट पूरे हो गए हैं और अब मैंने ये ढक्कन हटा दिया है। अब ये जो रोल्स हैं इन्हें हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, पंखे के नीचे रख देते हैं। तो देखिए ये रोल्स पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और छलनी में चिपके भी नहीं है, टूटे भी नहीं है, फटे भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है कि जो सूजी है वो बारीक होनी चाहिए और डो अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। तो अब देखिए हम इनको कट करेंगे, और जैसे ही हम इसे कट करेंगे बहुत ही आराम से कट हो जाते हैं, अंदर से जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है, बहुत ही बढ़िया हमारे रोल्स बन रहे हैं। और जिनको लगता है कि सूजी के रोल्स अच्छे नहीं बनते हैं या फट जाते हैं, वो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप कि मैं कितनी आसानी से इनको कट कर रही हूँ। और ये लीजिए दोस्तों, एक मैं रोल आपको दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल स्टफिंग फैल नहीं रही है। और इस बात पर एक लाइक करना तो ज़रूर बनता है, और ट्राई ज़रूर करना इस नाश्ते को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, चटपटा सा मज़ा आ जाता है खाने में। तो अब हम इस पर एक तड़का लगाएंगे। तो मैंने पैन में एक बड़ा चम्मच तेल, थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं, राई डाल दी है और सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, और इन्हें हम अच्छे से चटका लेंगे। और जो रोल्स मैंने कट किए हैं इन्हें हम पैन में डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसमें तड़का लगाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है ये तड़का, और आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम तड़का लगा लेते हैं तो ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और जहाँ पर तड़का नहीं लगा है उन रोल्स को अच्छे से आप पलट दीजिए, बहुत ही इजी है ना ये दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता। ये देखिए मैंने इनको पलट रही हूँ एक एक करके, और ये देखिए चारों तरफ अच्छे से ये जो हमने तड़का लगाया था ये फैल चुका है। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने सारे रोल्स इस तरह से प्लेटिंग कर ली है। आप इन्हें हरी चटनी, टमाटो केचप, सेजवान सॉस किसी की भी साथ खाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और कुछ भी ना मिले तो आप ऐसे ही खा लीजिए, ये ऐसे चटपटे लगते हैं ना तो खाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप कब ये नाश्ता ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और सिंपल रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।